अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं उसामा शेख और आप देख रहे हैं उसामा शेख यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान के नौजवानों को जो मसाइल दरपेश हैं उनमें से एक सबसे बड़ा मसला यह है कि पाकिस्तान के नौजवान हवा के पीछे लग जाते हैं, बगैर किसी सोचे समझे, बगैर किसी मनसूबे के वो अपना काम करने लगते हैं। पाकिस्तान के अगर नौजवानों की बात करें तो वो तकरीबन तीन हिस्सों में तकसीम है। एक हिस्सा वो जो ऑनलाइन काम कर रहा है, एक हिस्सा वो जो फ्रीलांसिंग के जरिए पैसे कमा रहा है, और एक तीसरा हिस्सा वो उसकी थीम आज तक किसी को समझ में नहीं आई, वो ये कि शेयरिंग करो, लाइक करो और पैसे कमाओ। इस तरीके के जो नौजवान हैं उनको इस तरीके का इनिशिएटिव के अंदर मैं आया हूँ, और ये जो इज्तिमा मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो रहा फ्रीलांसिंग वालों का। तो आज जो मेरे साथ नौजवान मौजूद होंगे वो इंशाल्लाह कोई डिजिटल मार्केटिंग से मुंसलिक होगा, कोई कहने की किसी न किसी तरीके से सोशल मीडिया की दुनिया से मुंसलिक होंगे। तो आज हम इनके मसाइल भी जानेंगे, इनसे बात भी करेंगे, और अगर हम इनकी बात करें ट्रांजेक्शन की पैसों की, तो पाकिस्तान के अंदर पेपल नाम ऐप ताहाल बंद है, जिससे नौजवानों को बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो हम जानते हैं कि ये नौजवानों को मुश्किल क्या क्या है, आइए हमारे पीछे। इस वक्त जो है प्रोग्राम जारी है रेस्टोरेंट के अंदर, और अभी जो हैं जनाब सरवर साहब हमसे मुखातिब हुए, और सरवर साहब पाकिस्तान की ई कॉमर्स दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है। जो भी ई कॉमर्स को जानता है, जो भी इंटरनेट को जानता है, जो भी यूट्यूब की गलियों से गुजरा है, वो सरवर साहब को ज़रूर जानता है। तो हमने भी उनका यानी कि क्लिप सुनी, बड़ा मज़ा आया उनको अपने दरमियान देख के। तो आइए बाकी का प्रोग्राम देखते हैं और इंशाल्लाह मुंतज़िमीन से ही बात करेंगे, और यानी कि देखेंगे पाकिस्तान की यूथ एक किस तरह उसको लेके जाना है। और ये मैं समझता हूँ हैदराबाद की सतह पर एक बेहतरीन प्रोग्राम है, एक बेहतरीन लोकेशन पर। आपसे रुख्सत होने का वक्त हो चुका है, और इस वक्त मेरी मुलाकात हुई है अली मोहम्मद समोस साहब से, जो कि पाकिस्तान के अंदर यानी कि पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, और फ्रीलांसिंग के अंदर उनका भी एक नाम है। उनके साथ अभी हमारी थोड़ी बहुत गुफ्तगू हुई है, वो आप आखिर में मुलाहिज़ा फरमाएंगे, और जो रिकॉर्ड हमने पूरी महफिल को किया है वो भी आप आखिर में मुलाहिज़ा फरमाएंगे। इंतहाई खुश हुई। इस वीडियो का इख्तिताम मुइज़ शेख की से यानी कि मुइज़ शेख भाई का शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि उन्होंने उनकी वजह से हम यहाँ पर मौजूद हैं। अगर वो हमें इत्तला नहीं करते तो हम हो सकता है यहाँ पर भी नहीं आते। तो अलहम्दुलिल्लाह आज का दिन अच्छा रहा, और माशाल्लाह अच्छी यहाँ पर माहौल था, दोस्त अहबाब आए हुए भी थे। तो आपसे रुख्सत लेते हैं, अल्लाह हाफ़िज़। नासिर अली समो, आई एम अ टेलीकॉम इंजीनियर एंड आल्सो आई वर्क्ड इन डिफरेंट फील्ड्स थ्रू आउट माय लाइफ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत डिफरेंट जगहों पे काम किया है, और एज अ फ्रीलांसर भी काम कर रहे हैं, एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर भी काम किया है, और इंटरनेशनली बाहर मुल्कों में भी काम किया, और अवार्ड भी लिए हैं अपने मुल्क के लिए, और एज अ पार्ट ऑफ टीम पर्सनली नहीं, पूरी टीम के साथ हमने मिलकर काम किया है। तो आज उसामा शेख साहब ने इन्वाइट किया है अपने चैनल पर हमें बात करने के लिए, हमें बड़ी खुशी हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो विज़न है मुझे बड़ा पसंद आया, कि ही थिंक्स अबाउट द कंट्री, और देखें जो बंदा अपने विजन में क्लियर है वो ही आगे अपना होमवर्क करके काम कर सकता है और कामयाब हो सकता है। इनकी बेसिकली आज हम जिस बात पे बात करेंगे वो यही है कि लोग हमारा मुल्क छोड़ के जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं, कि बाहर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ के हालात वगैरह जो भी मसले हैं। तो ये भी देखें वहम जो है ना पूरी ज़िंदगी रहा है, और बेसिकली यंगस्टर्स ने ये मुल्क चलाना है आगे चल के। हमारे जो पुरानी गलतियाँ हैं उससे हमें सीखना नहीं, हमने खुद गलतियाँ करने की ज़रूरत नहीं है। आज के दौर में इतना डेटा है कि अगर हम देखें कि हम दूसरों की गलतियों से अपने आप को हम बेहतर कर सकते हैं, कि हम बेहतर करें। और देखें रिमोट जॉब्स की वजह से थ्रू द टेक्नोलॉजी आज हमें कहीं सफ़र करके उधर जाके वहाँ पे नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, हम जहाँ से भी वही जॉब्स। अब अगर हम कोई भी स्किल देखते हैं, हमारे अंदर अल्लाह ने एक खूबी डाली है, सलाहियत डाली है, एक बंदे को बोलने की सलाहियत डाली है, एक बंदे को काम करने की सलाहियत डाली है, और देखें कौमें भी हैं, डिफरेंट कौमें हैं जिसमें बोला गया है कि एशियंस बेसिकली वो कौम है जो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट कौमें हैं। तो अगर हम इंटेलिजेंट हैं तो हम अपना ब्रेन यूज़ करके हम कोई भी चीज़ पे जिसको हमें पसंद हो, कोई भी स्किल उसको जो हमें पसंद हो उसके ऊपर काम करके हम क्यों ना डॉलर्स कमा के अपने मुल्क को भी दें और ख़ुद भी इसको कमाएं। देखिए हमारी इससे सबसे बड़ी फ़ायदा ये है कि हम जब काम कर रहे होंगे इंडिविजुअली, हम अपने मुल्क के लिए भी कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो
हमारा बेसिकली मकसद ये है कि गाइडलाइन लेके आए हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए, अगर देखें उनको सहूलत नहीं है तो उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसे सीखने की ज़रूरत नहीं है, दुकानदारी बहुत चल रही है। आपको बहुत ईजी तरीका है कि आप AI पे जाएं, अपने सवाल लिखें, नहीं समझ आ रहा उर्दू में लिखें, वो हर ज़बान में कंप्यूटर है बोलता है, वो जवाब देता है और सही डेटा निकाल के देता है। अगर उसमें कुछ गलतियाँ हैं तो उसको आप इग्नोर करें बिगनिंग स्टेज, वो आपको बताएगा किस काम करने का क्या तरीका है। लैंडमार्क बनाएं, अपना पाइपलाइन बनाएं, उसके ऊपर एक विजन बनाएं, वो क्लियर करें, उसके बाद उसको आप जाएं, बहुत फ्री यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज अवेलेबल हैं, उनमें जाके इंडक्ट करें, 2 घंटे रोज़ दें, हफ्ते महीने में वो कोर्स क्लियर हो जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उस पर प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह इवेंचुअली आपको कुछ टाइम के बाद उसके ऊपर कुछ ना कोई अल्लाह आपको रोज़गार ज़रूर देगा, जब आप सही तरीका इस्तेमाल करेंगे कि इसको एडवर्टाइज़ कैसे करना है अपने काम को, और जब आपको पैसा आएगा तो आपको ट्रस्ट बिल्ड होगा। और यही दुआ हम करते हैं कि यही चीज़ जो मैं आज बोल रहा हूँ आपको, आप अपने आने वाले यंगस्टर्स के लिए यही चीज़ रखें कि उनको थोड़ा इत्मीनान हो। मुश्किल के दौर में हमारा फ़र्ज़ है कि सही मशवरा, अच्छा मशवरा इज़ अ सुन्नत, और गलत बात करने से पहले आप सोच लें कि अगर देखें किसी को गलत मशवरा देते हैं, आपको कुछ नहीं पता कि अगले की कैपेबिलिटी क्या है, हर बंदा एक जैसा नहीं होता। आप यहाँ से अगर कुछ नहीं कर सकते, बाहर मुल्क पे भी जाके ये कंफर्म बात है कि आप कुछ नहीं कर सकते, ये भी एक गारंटीड सी बात है। नेवर थिंक लेस ऑफ योर सेल्फ, ना ही अपने आप को अंडर सेल करें, ना अपने अंडर एस्टिमेट करें, ना ही अपने मुल्क को। आप अपने मुल्क में बैठ के ये सारी फैसिलिटीज़, बाहर मुल्क में इंटरनेट अगर आप ओपन इंटरनेट यूज़ करते हैं, बोलते बड़ा तेज़ है, आपको पता है उसकी फ़ीस कम से कम $200-300 है, तो एज ए न्यू एंटरप्रेन्योर आप वहाँ पे जाके आप फ्रीलांसिंग नहीं कर पा रहे हो, आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रहे होगे या बर्तन साफ कर रहे होगे। तो बेहतर ये है कि इज्जत से अपने मुल्क में कोशिश करें, जब ये चीज़ हो जाए, आप प्रोफेशनल हो जाए अपने मुल्क में, फिर आप जाएं कि अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, अगेन होपफुली ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन। بشراكي يا حافظة القرآن حين تنالي من رب الرضوان ويقال لك ارقي أعلى جنان في يوم تشكو